गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने आपको ट्रांसलेशन में इससे प्रीवियस क्लास में वर्ब सेट 9 की 1 से लेकर 25 तक की वर्ब्स लर्न कराई थी ना। आज हम 26 से लेकर 50 तक की वर्ब्स को लर्न करेंगे। देखिए तो 26 पे क्या लिखी हुई है बच्चों, रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई। रिसीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। जैसे मैंने एक मेडल रिसीव किया, मैंने एक पार्सल रिसीव किया, तो रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, आर ई सी ई आई वी ई। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट रेकोगनाइज, रेकोगनाइज मीन्स होता है पहचानना, किसी को पहचानो। जैसे मैंने आपके सामने कहा इस पिक्चर को पहचानो, इस पिक्चर को रेकोगनाइज करो, पहचानो कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। तो रेकोगनाइज मीन्स होता है बच्चों पहचानना, आर ई सी ओ जी एन आई जेड ई। रेकोगनाइज मीन्स पहचानना, ठीक है। रिसीव प्राप्त करना, रेकोगनाइज पहचानना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 28 पे जो वर्ब है वो है बच्चों रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स दर्ज करना। दर्ज करने का मतलब ये है कि जैसे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, अटेंडेंस आपकी क्या की जाती है, दर्ज की जाती है, लिखी जाती है। तो रिकॉर्ड मीन्स दर्ज करना। रिकॉर्ड कहते हैं ना, इस फुटबॉल टीम का रिकॉर्ड कितना है, कितने रन्स उसने बनाए, दर्ज करना। तो रिकॉर्ड मीन्स दर्ज करना, आर ई सी ओ आर डी, रिकॉर्ड मीन्स दर्ज करना। नेक्स्ट है बच्चों रिक्रिएट। रिक्रिएट मीन्स होता है पुनः निर्माण करना, किसी चीज़ को दोबारा उसका इन्वेंशन पूरा, दोबारा उसको बनाना, दोबारा उसको निर्माण करना, क्रिएट करना दोबारा। तो रिक्रिएट मीन्स पुनः निर्माण करना। तो बच्चों रिक्रिएट मीन्स क्या होता है, पुनः निर्माण करना। आई बात समझ में, री मतलब दोबारा और क्रिएट मतलब निर्माण करना या उत्पन्न करना। तो पुनः निर्माण करना, रिक्रिएट, आर ई सी आर ई ए टी ई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बच्चों रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या है, पुनः चक्रित करना। पुनः चक्रित करना, पुनः चक्रित करने का मतलब यही हुआ कि पुनः निर्माण करना, दोबारा उस चीज़ को बनाना, ठीक है, पुनः उसका निर्माण करना, एक नए रूप में उसको लेकर आना। तो रिसाइकिल मतलब होता है पुनः चक्रित करना। अंडरस्टूड। ये चकित नहीं लिखा है, चक्रित है। तो पुनः चक्रित करना, आर ई सी वाई सी एल ई, रिसाइकिल। नेक्स्ट रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स घटाना। कहते ना अपना वेट रिड्यूस करो, अपना वेट घटाओ, घटाओ 5 में से 3 रिड्यूस करो, कम करो। कम करने का मतलब है घटाना, रिड्यूस करो, आर ई डी यू सी ई, रिड्यूस मीन्स घटाना। नेक्स्ट रेगुलेट। रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रित करना। रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल में रखना, रेगुलेट करके रखना, ठीक है। तो जो रेगुलेटर होता है उसका काम क्या होता है, गैस को वो रेगुलेट करके रखता है कि कम ज़्यादा गैस बाहर ना निकले। तो रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना। और रेगुलेटर होता है जो कह सकते हैं हम वोल्टेज भी मेंटेन करके रखते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज ना आए। तो रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना, आर ई जी यू एल ए टी ई, रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना। नेक्स्ट रिलेट। रिलेट मीन्स संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने का मतलब है कि ये चीज़ किससे रिलेट है, किससे इसका संबंध है, किसको रिलेट करती है। तो रिलेट मीन्स संबंध स्थापित करना, आर ई एल ए टी ई, रिलेट मीन्स संबंध स्थापित करना। अब सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सुनाइए मुझे सारी वर्ब्स। रिकॉर्ड, दर्ज करना, रिक्रिएट पुनः निर्माण करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिड्यूस घटाना, रेगुलेट नियंत्रित करना, रिलेट संबंध स्थापित करना।
लर्न हुई सभी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है बच्चों 34 नंबर पे रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स विश्राम करना। कहते ना जैसे हम बहुत थक जाते हैं तो कहते हैं रिलैक्स कर लो, विश्राम कर लो, रेस्ट कर लो। तो रिलैक्स मीन्स विश्राम करना, आराम करना। नेक्स्ट रिमेन। रिमेन मतलब बने रहना। रिमेन मीन्स बने रहना। आर ई एम ए आई एन। रिमेन मीन्स बने रहना। नेक्स्ट रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद करना। याद करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा इस चैप्टर को रिमेंबर कर लूँ, नहीं। रिमेंबर मतलब होता है याद करने का, मतलब कुछ पुराना याद करना। जैसे कहते हैं ना मैं अपनी पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को रिमेंबर कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो रिमेंबर मीन्स याद करना। आर ई एम ई एम बी ई आर। रिमेंबर मीन्स याद करना। नेक्स्ट रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना, है ना। कहते हैं हम जैसे मैंने किसी से बोला बुक पे से अपना हाथ रिमूव करो, हटाओ। मेरे कंधे से अपना हाथ रिमूव करो, हटाओ, है ना। रिमूव मीन्स हटाना, बिल्कुल हटा देना, साफ कर देना, उस जगह से हटा देना। तो रिमूव मीन्स हटाना। आर ई एम ओ वी ई। रिमूव मीन्स हटाना। नेक्स्ट रिपेयर। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ भी हमारे घर पर कोई चीज़ है वो ख़राब हो गई तो हम उसको रिपेयरिंग पे भेजते हैं, मरम्मत के लिए भेजते हैं। तो रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। हम ये वर्ब्स ऐसी हैं जो नॉर्मली हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि इन वर्ब्स का हमें बहुत ज़रूरी। हम बोलते हैं ना कि मम्मी इसको रिपेयरिंग पे डाल देते हैं, मरम्मत करवा लेते हैं, ख़राब हो गई तो रिपेयरिंग पे है वो। तो रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। आर ई पी ए आई आर। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। नेक्स्ट रिपीट। रिपीट मीन्स दोहराना। रिपीट मीन्स दोहराना। इसको भी हम इंग्लिश में ही बोलते हैं कि इस चैप्टर को रिपीट करो, दोबारा करो, दोबारा लिखो, दोबारा दोहराओ, इस सब्जेक्ट को आप रिपीट करो या इस वर्ड को रिपीट करो, मतलब दोबारा बोलो, दोहराओ। आर ई पी ए टी। आर ई पी ई ए टी। रिपीट मीन्स दोहराना। रिपीट मीन्स दोहराना। ओके, लर्न हुई सभी को। चलिए आँखें बंद करिए सभी, फटाफट से अपनी सुनाइए मुझे हिंदी और इंग्लिश में। रिलैक्स विश्राम करना। रिमेन बने रहना। रिमेंबर याद करना। रिमूव हटाना। रिपेयर मरम्मत करना। रिपीट दोहराना। लर्न हुई सभी को, आगे बढ़ें। चलिए देखिए आगे क्या है। 40 नंबर पे जो वर्ब है दैट इज़ रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स बदलना। रिप्लेस मीन्स बदलना, मतलब जैसे मैंने कोई चीज़ कहीं रखी हुई थी, यहाँ रखी हुई थी, मैंने उसको यहाँ से यहाँ रख दिया तो मैंने उसकी जगह को रिप्लेस कर दिया, है ना। या फिर मैंने इस जगह हटाकर कुछ और रख दिया तो बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना। यहाँ पर पहले जैसे कुछ रखा हुआ था, मैंने उसको हटा के कुछ और यहाँ रख दिया तो उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मीन्स बदलना। आर ई पी एल ए सी ई। रिप्लेस मीन्स बदलना। नेक्स्ट रिप्लाई। आर ई पी एल वाई। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। कहते हैं ना रिप्लाई दो, उत्तर दो, फटाफट से आंसर दो, रिप्लाई करो। तो रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। आर ई पी एल वाई। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट आर ई पी आर ई एस ई एन टी। रिप्रेजेंट मतलब ये होता है ना कि जैसे मैंने कुछ बनाया तो उसको रिप्रेजेंट करो, दिखाओ, सबके सामने प्रदर्शन करो, उसका दिखाओ, रिप्रेजेंट करो। तो क्या होता है इसका मतलब? प्रतिनिधित्व करना। इसका मतलब ये है कि खुद को रिप्रेजेंट करना। जैसे कोई कंपटीशन है, ठीक है, अब मैं कौन से स्कूल से हूँ, सपोज मैं जिस स्कूल से हूँ तो मैं उस स्कूल को क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उस तरफ से मैं आई हूँ। तो प्रतिनिधित्व करने का मतलब यही हुआ कि मैं उस स्कूल को बिलोंग करती हूँ या इस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ से खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करना। आर ई पी आर ई एस ई एन टी। रिप्रेजेंट। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्ब है बच्चों, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स दोबारा बनाना। री मतलब दोबारा और प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, बनाना। तो रिप्रोड्यूस मीन्स दोबारा बनाना। ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि हमने चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया, नहीं। आपने ईवीएस पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे और बनाते हैं, है ना। तो दोबारा बनाना रिप्रोड्यूस, आर ई पी आर ओ डी यू सी ई। रिप्रोड्यूस मीन्स दोबारा बनाना। नेक्स्ट रिक्वायर। रिक्वायर मीन्स ज़रूरत होना। जैसे मैंने कहा मुझे इस बुक्स की, इस बुक की रिक्वायरमेंट है, इस बुक की ज़रूरत है। रिक्वायर, आई रिक्वायर दिस, तो मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत होना रिक्वायर, आर ई क्यू यू आई आर ई। रिक्वायर मीन्स ज़रूरत होना। नेक्स्ट रिजर्व, आर ई एस ई आर वी ई। रिजर्व मीन्स क्या होता है बच्चों? भविष्य के लिए बचा कर रखना। रिजर्व मीन्स भविष्य के लिए बचा कर रखना। जैसे हमें जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, हमें उनको रिजर्व कर रखना चाहिए। ये इस तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि हम भी उन्हें इस्तेमाल कर सकें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, वो भी उनका इस्तेमाल कर सकें। तो हमें उनको भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। हमें नेचुरल रिसोर्सेस को रिजर्व करना चाहिए, जैसे लैंड है, वाटर है, या मैटर्स वगैरह हैं, इनको हमें रिजर्व करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो रिजर्व मीन्स होता है बच्चों भविष्य के लिए बचा कर रखना, आर ई एस ई आर वी ई। रिजर्व मीन्स भविष्य के लिए बचा कर रखना। चलिए आंखें बंद कीजिए सभी अपनी, सुनाइए फटाफट से मुझे हिंदी और इंग्लिश में। रिप्लेस बदलना, रिप्लाई उत्तर देना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, रिप्रोड्यूस दोबारा बनाना, रिक्वायर ज़रूरत होना, रिजर्व भविष्य के लिए बचा कर रखना। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अब 46 पे जो वर्ब है वो है बच्चों रिसाइड, आर ई एस आई डी ई। रिसाइड मीन्स निवास करना। निवास करने का मतलब होता है रहना, कि मैं यहाँ रिसाइड करता हूँ। तो रिसाइड मीन्स निवास करना, वहाँ रहना, आर ई एस आई डी ई। रिसाइड मीन्स निवास करना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है बच्चों रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स होता है रिसॉल्व। रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना, पक्का डेफिनेटली कर लेना कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, पक्का निश्चित कर लेना। तो रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना, आर ई एस ओ एल वी ई। रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना। नेक्स्ट रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना। जैसे हम कहते हैं ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर करने का मतलब है कि उनसे प्यार से बात करना चाहिए, तमीज के साथ बात करना चाहिए, उनकी सारी बातों को मानना चाहिए। अगर हमें वो कुछ सिखाते हैं तो हमें वो सीखना चाहिए। जैसे सिखाते ही हैं तो उसको आपको उसी अटेंशन के साथ सीखना चाहिए। तो वी शुड रेस्पेक्ट आर एल्डर्स। आर एल्डर्स मतलब जो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी क्या करना चाहिए, बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना। नेक्स्ट रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। अब ये रेस्पॉन्ड वर्ड आपने मोस्टली फ़ोन में देखा होगा, जैसे किसी का कॉल नहीं लगता है तो लिखा जाता है नॉट रेस्पॉन्डिंग, मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहीं पर रेस्पॉन्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? जवाब ना देना। सॉरी, रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना, और नॉट रेस्पॉन्डिंग मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं। तो रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना, आर ई एस पी ओ एन डी। रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। नेक्स्ट 50 नंबर पे है रेस्ट। रेस्ट मीन्स
आराम करना। आराम करने का मतलब वही हुआ कि रेस्ट करना, जैसे आप बहुत थके हुए हैं, अब थक कर आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो मोस्टली हम ये वर्ड भी इंग्लिश में ही बोलते हैं कि मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, तो रेस्ट मीन्स आराम करना। चलिए आंखें बंद कीजिए सभी और सारी वर्ड दोबारा सुनाइए मुझे। रिसाइड निवास करना, रिजॉल्व पक्का निश्चित करना, रेस्पेक्ट आदर करना, रेस्पॉन्ड जवाब देना, रेस्ट आराम करना। लर्न हुई सभी को? तो यहीं पर आपका ये वर्ब सेट 9 फिनिश होता है। आज मैंने आपको 26 से लेकर 50 तक की वर्ब्स को लर्न कराया। आई होप आपने अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। इसलिए ये लर्निंग वीडियोज़ जो आपको भेजी जाती हैं, आप इन्हें देखा करिए। ये मत सोचिए कि ओनली लर्निंग वीडियो हैं तो बस हमने इनको नहीं देखा। आप देखिए, लर्न कीजिए। लर्न नहीं करोगे तो काम नहीं होगा आपका, सीखोगे कैसे फिर। इसलिए आज आपको होमवर्क में बच्चों वर्ब सेट 9 की 26 से लेकर 50 तक की वर्ब्स लर्न करनी है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।